गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स करेंसी एनालिसिस पे आप सभी का स्वागत है आज है 11th ऑफ सितंबर 2023 अभी है 11 बजने वाले हैं एक स्पेशल एनालिसिस में आप लोगों का अटेंशन ड्रॉ करना चाहता हूं डेट इज रिलेटेड टू ईएन आईएनआर उसके लिए हम लोग चार्ट पे चलते हैं ये है आपका डॉलर ईएन का चार्ट डॉलर ईएन फ्राइडे तक यह आपका 14780 में क्लोज दिया था यहां पे कांस्टेंट ऊपर जाने का एक

ये लेवल पे जब भी आते हैं बीओजे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल हो जाते हैं इसका मतलब ये नहीं कि आने वाले दिनों में भी इस लेवल को दे आर गोइंग टू प्रोटेक्ट और नॉट क्योंकि रेजिस्टेंस लेना इंटरविन करना या नहीं करना ये रेस्पेक्टिव सेंट्रल बैंक का पर्सनल डिस्क्रिशन से डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है सो करंट एनवायरमेंट में 140 से 151 ये एक क्रूशियल लेवल से जो बीओजे नहीं चाहता है कि इसके बियॉन्ड आपका एन डेप्रिशिएट हो एंड आज सुबह ही आपका एन एप्रिशिएट होना चालू हुआ करंटली इट इज एट 146.00 तो पहले एन डॉलर येन को हम एनालाइज करेंगे देन उसके बाद हम आएंगे येन INR पे ये है आपका डॉलर डेली चार्ट जहां पे आप देखोगे फ्रॉम हियर प्राइसेस आर मेकिंग हायर इस लेवल पे आप अगर देखोगे तो प्राइसेस आर मेकिंग हायर आप अगर RSI को देखोगे एक डाइवर्जेंस था मल्टीपल डाइवर्जेंसेस मल्टीपल डाइवर्जेंसेस एंड ये एक ट्रेंडलाइन सपोर्ट है ट्रेंड लाइन सपोर्ट के नीचे अगर स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देता है एंड उसके बाद फॉलो थ्रो देता है देन इट गोइंग बी ए सेलिंग यानी यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी है कि डॉलर येन एक अच्छा खासा सेल ऑफ होने का तैयारी कर रहा है एक सेलिंग जोन पे बैठा हुआ है एज फार इज द टेक्निकल चार्ज कंसर्ट इसको अगर हम एक वीकली चार्ट में देखेंगे तो आप देखोगे फ्राइडे तक ये क्लोज दिया 14780 पे एंड आज ओपनिंग ही गैप डाउन ओपन हुआ एट 146.97 पे हालांकि आज का दिन स्टार्ट ऑफ द वीक है पूरा का पूरा हफ्ता बाकी है लेकिन ये जो प्राइस एक्शन दैट इज द मॉर्निंग हुआ है दैट मींस दिन के शुरुआत यानी इन दिस केस इट इज हफ्ते का शुरुआत हफ्ते का शुरुआत में थोड़ा सा सेलिंग इंटरेस्ट दिख रहा है so, यहां पे हमें क्या देखना है कि लोअर टाइम फ्रेम पे अगर हम जाएंगे डेली पे तो ऑलरेडी एक सेलिंग इंटरेस्ट दिख रहा है यानी ये ऐसा नहीं है कि स्ट्रेट लाइन पे ये नीचे आने का प्रयास करेगा ऐसा भी नहीं हो सकता है रदर ये हो सकता है कि आपका इस टाइप का एक लोअर हाई लोअर लो फॉर्मेशंस कर सकता है ऑन लोअर टाइम फ्रेम इधर ऑन आवरली और थर्टी मिनट्स आप जो टाइम फ्रेम देखना चाहते हो ये हो गया डॉलर ईएन का एक एनालिसिस जहां पे ये ट्रेंड लाइन के सपोर्ट के नीचे जैसे ही क्लोज देगा उसके बाद फॉलो थ्रू भी आएगा यानी इन दिस वीक आज जो मंडे थर्सडे फ्राइडे को एक पॉसिबिलिटी है कि अच्छा खासा सेलिंग इंटरेस्ट हो सकता है उसके कारण हमारा क्या क्या प्रोबेबिलिटी सपोर्ट एरिया हो सकता है पहला सपोर्ट हो सकता है आपका वन फोर्टी फोर पॉइंट फाइव जीरो एंड देन सेकंड सपोर्ट इज एक्सपेक्टेड टू बी एट तो यहाँ पे हम अगर price actions को चेक करते हैं तो possibilities है कि अच्छा खासा एक selling interest हो सकता है है का जो currency है, वहां पे हम डायरेक्टली डॉलर को ट्रेड नहीं कर सकते ना ही जीबीपी डॉलर को ना ही यूरो डॉलर को लेकिन हम component को ट्रेड कर सकते हैं यानी एन आई को हम ट्रेड कर सकते हैं केस हम एन आई एनआर का पहले ये स्पॉट चार्ट देखते हैं, ये स्पॉट चार्ट है, Then हम यहाँ पे फ्यूचर चार्ट्स पे आएंगे। स्पॉट चार्ट पे क्या हो रहा है यहाँ पर भी आप देखिए यहाँ पे एक डाइवर्जेंस है इसका ये आर एस आई डाइवर्जेंस आर एस आई डाइवर्जेंस के कारण प्राइसेस आर मेकिंग लोअर लोजर इज आर एस आई इज मेकिंग हायर लो So, ये एक डाइवर्जेंस हो गया प्लस ये एक ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस है जो ट्रेंडलाइन रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस अभी क्लोज देने का प्रयास कर रहा है इस ट्रेंड लाइन रेजिस्टेंस के ऊपर अगर एक स्ट्रॉन्ग क्लोज दे देता है समथिंग लाइक दिस एक कैंडल बनाते हैं हम इस टाइप का मान लेते हैं कि आज का एक क्लोजिंग आया ग्रीन कैंडल एंड उसके बाद कल भी इस आज के हाई के ऊपर ट्रेड करना चालू कर देता है इन सच केस यहाँ पे एक बाइंग अच्छा खासा हम बिल्डअप देख सकते हैं तो यहाँ पे अगर हम लॉन्ग पोजिशन बिल्डअप करते हैं तो हमारे स्टॉप लॉस कहाँ पे होगा हमारे स्टॉप लॉस इसके लो के नीचे होना चाहिए इन सचे केस हमारा जो प्रोबेबल टारगेट्स हो सकते हैं पहला टारगेट्स यहाँ पे 57 सेकेंड टारगेट हो सकता है आपका .5850 एंड उसके बाद का जो टारगेट हो सकता है .5950 दिस आर द थ्री प्रोबेबल टारगेट्स स्टॉप लॉस इसके नीचे यानी 56 के नीचे यानी करंट लेवल पे सत्तर पैसे का एक स्टॉप लॉस हो सकता है ऑन स्पॉट फर्स्ट टारगेट आपका करीबन एटी पैसे का Then 180 पैसे का, then 280 पैसे का। लेकिन इसको रन करना इतना आसान नहीं है आपको मास्टरी तो आप प्राइस को देख सकते हो कि कैसे प्राइस आपका एंजॉय कर रहा है खेल रहा है बड़ा पोजिशन अगर आप ले लोगे तो आप इसका खेल जो है एंजॉय कर नहीं पाओगे क्योंकि पी एन एल स्विंग्स होता रहेगा और पी एन एल स्विंग्स के साथ साथ आप यूफोरिया में आ सकते हो या अगेन लॉस में आएगा तो फिर आप डिप्रेस भी हो सकते हो दैट मीन द केस आपको अगर खेला को एंजॉय करना है तो स्मॉल लेवल्स पे आप पोजिशन बिल्डअप करके इस मूवमेंट को आप देख सकते हो कि कैसे प्राइस मूव हो रहा है एंड कहाँ पे आपको एग्जिट करना है एग्जिट के लिए सपोज यहाँ पे प्राइस अगर ये डेली बेसिस पे हाई है हाई लो बनाते हैं तो आपको तब तक ये ये जो स्विंग हाई है विल बी योर

यहाँ पे आप अगर देखोगे एक W पैटर्न फॉर्म करने का प्रयास कर रहा है इसका नेक लाइन पे है यहां पे डेट मीन्स 57.20 पे एक नेकलाइन है इसके हाई के ऊपर आपको इक्विवेलेंट टू दिस नेक ये जो आपका depth, depth है इतना तक आप एक्सपेक्ट कर सकते हो यानी 58.03 तक फर्स्ट टारगेट देख सकते हो डिपेंडिंग ऑन द डब्ल्यू पैटर्न्स ये डब्ल्यू पैटर्न्स का एक टारगेट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन अभी तक आया नहीं है करेंटली इट इज एट 56.92 तो इसका जो नेक लाइन है 57.20 इसके ऊपर स्ट्रॉन्ग क्लोज देना पड़ेगा इन सच ए केस ये एक डब्ल्यू पैटर्न का फॉर्मेशन हमें दे सकता है ये हो गया आपका वन थिंग प्लस आप देखोगे ये आपका प्राइस रेंज शिफ्ट करने का प्रयास कर रहा है लेके ऊपर जाने का प्रयास कर रहा है also, यहां पे देखोगे जो ये पहले दो ग्रीन कैंडल पे हमें लॉग नहीं करना है फिर हमें इंतजार करना है एक रेड कैंडल का रेड कैंडल के हाई के ऊपर हमें लॉन्ग बिल्डअप करना है समथिंग लाइक दिस दैट इज आल्सो ए डब्ल्यू पैटर्न तो एक बड़ा डब्ल्यू हो गया एक छोटा प्राइस टाइम फ्रेम का जो यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम है मीन कैंडल बाई कैंडल के बेसिस पे भी आप लॉन्ग कर सकते हो यहाँ पे अगर लॉन्ग करोगे तो इसके लो के नीचे आपका स्टॉप रहेगा यानी लॉसिस इज योर स्टॉप लॉस यानी करीबन आपका सिक्सटी पैसे का एक स्टॉप लॉस होगा इन सच ए केस पहला इसको आपको देखना है पहला स्टेशन फिफ्टी सेवन पॉइंट टू जीरो के ऊपर स्ट्रॉन्ग डेली क्लोज देना चाहिए देन इन सच ए केस हमें फिफ्टी एट पॉइंट जीरो थ्री का देख सकते हैं तो प्रोबेबिलिटी हो सकता है एक रुपया से एक रुपया पांच पैसे के आसपास का एक, एक रुपया दस पैसे के आसपास का एक टारगेट हो सकता है ये हो गया डेली चार्ट पे तो यहाँ पे अगर हम शॉर्टर टाइम फ्रेम में उसको प्राइस को लेते हैं तो यहाँ पे हमें क्या देखना है आप आवरली चार्ट देखो या डेली चार्ट देखो आपको यहाँ पे पहले ये जोन इस कंसोलिडेशन जोन से बाहर ऊपर जाना है आपको अगर अच्छा खासा मोमेंटम देखना है तो यहाँ पे प्राइस को इस नेकलाइन के ऊपर डेट मीन 57.20 के ऊपर आपको इंतजार करना है तो यहाँ पे आपको क्या प्राइस देखना है कि कॉन्स्टेंटली क्या ये हायर हाई हायर लो बना रहा है या नहीं ये अगर बन रहा है ऑन लोअर टाइम फ्रेम तो आपका एक अच्छा खासा लॉन्ग बिल्डअप में कर सकते हो सो so, ये हो गया करेंसी फ्यूचर का एन आई का सितंबर फ्यूचर का चार्ट यहाँ पे आप अगर देखोगे तो मेरा एक यहाँ पे ट्वेंटी फाइव क्वान्टिटी लॉन्ग चल रहा है जो मैं इस नेक लाइन के क्लोज के ऊपर दे रहा था 57.20 ये यह यहाँ तक आया मैंने कट नहीं किया क्योंकि मेरा एक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन था कि ये आपका एक सर्टेन लेवल से ये

ये है जिसका एवरेज आप दोनों का लेके फिफ्टी सिक्स पॉइंट नाइन फाइव का हो सकता है आई शो यू द दिस वन जस्ट सेकेंड

आपका छह हजार आठ सौ रुपए का एक नेट टू ने आपका एटी थ्री पॉइंट टू जीरो के आसपास जा रहा था इट वॉज गिविंग लॉस लेकिन मेरा ये व्यू है कि डॉलर रूपी में एक डीप आना चाहिए एंड अगर एक पॉसिबिलिटी मिलेगा कि डॉलर रूपी एट्टी 2 50 से 80 टू 70 के बीच में अगर एक एरिया मिलता है तो वहां पे हम हाँ लॉन्ग के लिए पोजीशन बिल्डअप कर सकते दैट बीइंग द केस ये जो पोजीशन है ये मैं रन कर रहा हूं कट किया नहीं है जो मेरा प्रीवियस करेंसी मींस यूएस डॉलर यूएसडी आईएनआर ऑप्शन एनालिसिस में भी मैंने इस पोजीशन को दिखाया है तो यहां पे डॉलर रुपी का एनालिसिस नहीं हो रहा है क्योंकि मैं मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट का एनालिसिस करूंगा तो लंबा वीडियो हो जाता है दैट आई यहाँ पेट मीन एट पॉइंट फाइव जीरो आपका तीसरा मूव जो हो सकता है टुवर्ड्स दिस फिफ्टी नाइन पॉइंट फाइव जीरो इस लेवल पे एक प्रोबेबिलिटी है जहां पे मींस करंट लेवल से आपका

start with one lot two lot five lot ten lot whatever is your means confidence level us level ke hisab se aap position build up kijiye and price actions ko enjoy karne ka koshish kijiye so is analysis ke through se main ye batana chahta hu ki there are higher possibilities ki dollar yen pe ek downward move ho sakta hai अभी भी certain conditions हमने discuss किया है उस conditions के दोबारा video के through से देख लीजिए कैसे इसको हम मींस क्या-क्या कंडीशंस हमने डिस्कस किया है मींस रिप्ले uh, करके देख लीजिए अभी भी इसके ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं दिया इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज देने के बाद उसके लो के नीचे फॉलो थ्रू देना चाहिए देन एंड ओनली देन वी कैन एक्सपेक्ट ए गुड मोमेंटम इन डॉलर येन एंड इन सच अ केस येन आई एनआर सो ये जो स्पेशल वीडियो है ये मैं बना रहा हूँ ये, ये स्पेसिफिक के लिए आशा करता हूँ ये प्रेजेंटेशन आपको अच्छा लगा होगा दिस प्रेजेंटेशन इज नॉट ए ट्रेड कॉल नॉट ए ट्रेड सिस्टम नॉट टिप प्रोवाइडिंग इंस्ट्रूमेंट और वीडियो इट्स जस्ट टू एनालाइज द मार्केट एंड गिविंग यू ए फीडबैक कि कैसे आप प्राइस को देख सकते हो एंड मार्केट में खेलने के लिए छोटा छोटा

प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे ऊपर नीचे करके ये 59.50 तक तो आता है तो मैं ये चाहता हूं कि ये पूरा का पूरा प्राइस मूवमेंट हम एंजॉय कर सकते हैं इसका मेन रीजन क्या है पहले भी मेरे यहां पे इस लेवल पे मेरा एक जुलाई महीने में ये ना का एक टारगेट था मींस ट्रेड कॉल था जिसको मैंने ज्यादा क्वांटिटी ले लिया था 500 क्वांटिटी ले लिया था तो वो जो पीएनएल फ्लक्चुएशंस हो रहा था कभी

गेम प्लान बनाना पड़ेगा पहले ही गेंद पे क्रिकेटिंग टर्म्स में मींस बैटिंग में आते ही चौके छक्के नहीं जाड़ना है आपको पहले मींस पिच कंडीशंस देखना है बॉलर्स का क्या कंडीशन है वो देखना है फील्डर्स का क्या पोजिशन है वो देखना है उसके बाद ही लूज बॉल पे आपको चौके छक्के मारना है इज़ द क्रिकेटिंग टर्म्स सो सिमिलरली यहाँ पर भी आपको अगर येन में किस कोई अगर नए नए ट्रेड करना चाहते हो इन सच ए केस इन सचे केस आप छोटे छोटे क्वांटिटी से खेलना चालू कीजिए आपका जो व्यूज है वो व्यूज को देखिए कैसे बिहेव हो रहा है मास्टरी कीजिए थ्री मंथ्स डाउन द लाइन सिक्स मंथ्स डाउन द लाइन प्रैक्टिस करते करते फिफ्टी ट्रेड्स लीजिए हंड्रेड ट्रेड्स लीजिए मास्टरी कीजिए क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उसके बाद उसके बाद अगर आप न, बड़े क्वांटिटी में जाओगे ग्रेजुअली ओवर सो डेट इज़ वाई आई एम टेलिंग कि आप एक साल दो साल पाँच साल के

हमें इनिंग्स पे इनिंग इनिंग्स के बाद इनिंग्स खेलना है इन सच एक्स स्टार्ट इमोल प्रैक्टिस रेगुलरली फॉर थ्री मंथ मंथर्स यू आर गोइंग टू बी दस धोनी ऑफ शेयर ट्रेडिंग चाहे वो ई एन आई एनआर का हो चाहे वो डॉलर रूपी का हो चाहे वो जीबीपी आई एन आर का हो बैंक निफ्टी का हो निफ्टी का हो और एनी इंस्ट्रूमेंट सो स्टार्ट स्मॉल प्रैक्टिस

लेकिन एक बार अगर एम एस धोनी आउट हो गया तो उनसे हम कुछ एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम फिर दोबारा गेम को जीतेंगे विथ एम एस धोनी सिमिलरली हमारा भी कैपिटल को सेफ करना है प्रॉफिट को छोटा छोटा बिल्डअप करना है कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करना है एक बार कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाता है तो मीन्स मनी इज ए सब्सिडियरी थिंग्स टू एंजॉय द प्रोसेस नॉट द मनी सो करेंसी स्पेशल एनालिसिस जहाँ पे हमने e -N का एनालिसिस किया अच्छा आशा अच्छा करता हूँ ये आपको अच्छा लगा होगा इफ सो लाइक कीजिए कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए आई विल आल्सो शेयर यू दो ऑल द फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न द टेक्निकल एनालिसिस एंड आल्सो दोस हु आर इंटरेस्टेड टू लर्न द करेंसी मार्केट थैंक यू एंड बाय बाय